क्या कह रहे हो पता नहीं आती हूँ। हाँ पैकेज खोल लो, बहुत हैवी है, शायद वो है जो तुमने मंगाया था। गुड इवनिंग एवरीवन, और हस्बैंड अभी आ गए हैं घर पे, तो बना रही हूँ मैं चाय हम दोनों के लिए और साथ में थोड़े से मखाना भी रोस्ट कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा घी डाला है, तो घी में रोस्ट करने से ये ज़्यादा स्वाद लगते हैं, या तो फिर मैं कभी कभी ड्राई भी कर लेती हूँ, ऑयल में नहीं करती, ड्राई नहीं उतने अच्छे लगते, घी के मस्त लगते हैं। बस थोड़े दिन पहले है ना नॉर्थ में बारिश हुई थी और शायद बर्फ भी गिरी है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी है। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ऐसा लगता है सर्दी लौट करके आ गया है। मेरे पे तो असर भी दिख रहा है, मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया है। दो दिन पहले तो जुकाम भी था मुझे, लेकिन अभी मेरा बस खांसी रह गया है, गला थोड़ा सा खराब है और स्किन भी है ना एकदम ही ड्राई फील होती है। क्या आप भी ड्राई फ्लेकी या इरिटेटेड स्किन का सामना कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूँ, आपकी स्किन का जो बैरियर है ना, इट नीड्स मोर प्रोटेक्शन टू रिटेन स्किन नेचुरल मॉइस्चर। और सोल्यूशन है ना डीडेमोको का 4% सेरामाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। इट इज परफेक्ट फॉर इरिटेटेड और कॉम्प्रोमाइज स्किन। दिस मॉइस्चराइजर नरिशेज योर स्किन एंड रिपेयर्स इट्स नेचुरल बैरियर। इट हैज पावर ऑफ टू इंग्रेडिएंट्स। इसमें है 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स एंड 2% नियासिनमाइड। जहां सेरामाइड स्ट्रेंथेंस एंड प्रोटेक्ट्स द स्किन बैरियर व्हाइल रिस्टोरिंग एसेंशियल मॉइस्चर, वहीं नियासिनमाइड सपोर्ट्स द स्किन बैरियर एंड बूस्ट सेरामाइड प्रोडक्शन। इसमें ऑक्सीलेंस भी है जो एक एडवांस बोटानिकल पावर हाउस है दैट फोर्टिफाइज योर स्किन बाय प्रमोटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द स्किन रिजल्टिंग इन हेल्दियर एंड फर्मर स्किन। और इस मॉइस्चराइजर का बेस्ट पार्ट ये है कि ये डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है, इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इजीली एंड ये बिल्कुल भी हैवी या स्टिकी नहीं है। आप देख सकते हो कि कितनी ड्राई हो रही है मेरी स्किन। अप्लाई करने के लिए टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रीम फॉर योर फेस एंड बॉडी। जी हाँ, आप इसे फेस एंड बॉडी दोनों पर यूज कर सकते हो। फेस पर, नेक पर, हैंड्स पर और बॉडी के अदर ड्राइनेस वाले एरियाज पर आप इसे लगा सकते हो। जेंटली मसाज करिए अंटिल इट इज कम्प्लीटली अब्सॉर्ब। आप देख सकते हो कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मेरी स्किन की ड्राइनेस चली गई है और स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो गई है। और बढ़िया बात यह है कि ऑल प्रोडक्ट्स बाय डीडेमोको आर फ्रेग्रेंस फ्री। दे हैव ऑल्सो एम्पावर्ड 15,000 प्लस स्टूडेंट्स दिस ईयर विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव इन विच एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डीडेमोको दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे विल हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि फाउंडेशन। और इस बहुत अच्छे कॉज में आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड विच इज नीलम 2024। इसका इस्तेमाल जब आप डीडेमोको की ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हो तो आपको आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलता है। और ये प्रोडक्ट्स आपको नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर भी अवेलेबल है, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। आपको इन प्रोडक्ट्स का लिंक और मेरा डिस्काउंट कोड मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। मैंने यहाँ पैन में है ना ढेर सारा पानी ऐड किया और उसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट एंड ये सोया का जो चूरा होता है, सोया ग्रैन्यूल्स प्लस सोया के जो मिनी वाले चंक्स होते हैं वो मिला करके मैंने पानी के अंदर ऐड कर दिया है। वैसे सिर्फ आप जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उससे भी बना सकते हो। और इसके बाद फिर इसको बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह से। इसका तड़का मतलब बॉयल करने के बाद मैंने उसको छान लिया था, उसका जो पानी है वो बह जाने दिया और फिर उसको अच्छी तरह धुल करके, रिंस करके, थोड़ा सा ड्राई करके छोड़ करके रख लिया है। पैन में मैंने लिया था थोड़ा सा ऑयल, ऐड किया था ज़ीरा एंड प्याज और हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी फ्राई करने के लिए रख दी है। इसके लिए प्याज को बहुत लाल लाल नहीं भूनना है। ऐड कर दिया मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट सो दैट वो प्याज के साथ साथ भुन जाए और प्याज में से अच्छी खुशबू आए, उसकी कच्ची महक चली जाए एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी भून जाए। इतनी देर भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। मुझे लास्ट वीडियो में किसी फ्रेंड ने कमेंट किया था कि जो रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना वो मत यूज़ करो, इससे
से एसिडिटी हो जाती है, तो मैं है ना नहीं यूज़ करती यार बाहर का। आप साढ़े चार साल हो गए मुझे वीडियोज़ बनाते हुए, पर मैं बाहर का नहीं यूज़ करती हूँ। अभी तो क्या है, मेरे पास ये पैकेट रखा था, मैंने एक दिन थाली बनाई थी एंड मुझे काफ़ी सारे आइटम बनाने थे ना, तो फिर मैंने ये मंगा लिया था कि मैं बाहर इतना सारा जिंजर गार्लिक बार बार छीलूँ कूटूँ, क्योंकि मैं घर में भी बना के नहीं रखती हूँ। मैं फ्रेशली ही पाउंड करती हूँ, दो चार कली ही होती हैं लहसुन की जो कूटनी होती है, एंड उसका ना अच्छा फ्लेवर भी आता है, मुझे थोड़ी सी उसकी आदत भी पड़ गई है। बट वो दिन मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगा लिया था क्योंकि कई चीज़ों में मुझे डालना था ना, तो बस वही मैं ख़त्म कर रही हूँ अभी। सब कुछ अच्छे से भुन जाने के बाद मैंने इसमें काफ़ी सारे टमाटर ऐड कर दिए थे। आप टमाटर को पीस भी सकते हैं, थोड़े से टमाटर और थोड़े टमेटो प्योरी भी ऐड कर सकते हो। फिर रूटीन के मसाले मैंने ऐड किए थे, थोड़े से मेथी के दाना मैंने ऐड किए हैं, आप कसूरी मेथी भी मिला सकते हो। देन थोड़ा सा गर्म मसाला, काली मिर्ची का पाउडर मिला करके मैं ये अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक पका लूँगी, जब तक इसमें से ना तेल अच्छी तरह से दिखने लगे और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें मिला रही हूँ मटर, ये फ्रोज़न मटर है तो ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं। एंड देन वो सोया जो तैयार करके रखा है, इसको अच्छी तरह से अभी भुनाई करनी है 2-4 मिनट, जब तक इसके अंदर का ज़्यादातर पानी सूख जाए। इतनी देर से भूने एक डिस्टिंक्ट सी ना खुशबू आने लगेगी और इसका थोड़ा सा रूप रंग भी बदल जाएगा, थोड़ा ड्राई होके ये इकट्ठा सा हो जाता है। तब तक इसको भूनेंगे और बाद में फिर आपको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी मिला लीजिएगा। एंड ये सोया कीमा बहुत टेस्टी लगता है, मैं वैसे भी बनाती ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा इसे आज मैं सूखा करके बना रही हूँ, लाइक एकदम ड्राई भी नहीं बट थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और इसका पानी नहीं छूटेगा, इस तरह का बना रही हूँ। क्योंकि इसके साथ आज मैं बनाने वाली हूँ नीर डोसा, तो इसके साथ है ना थोड़ा सा ऐसा थिक सी ग्रेवी वाली कोई कुरमा वगैरह हो, चटनियाँ तो खैर अच्छी लगती हैं, ज़्यादातर हम लोग चटनी के साथ ही नीर डोसा खाते हैं क्योंकि ये यूजुअली ब्रेकफास्ट में बनता है, पर इस तरह की थोड़ी सी थिक सब्जी वगैरह होना उसके साथ भी अच्छा लगता है। और नीर डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया था, थोड़ा स्वाद के हिसाब से इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है एंड काफ़ी सारा पानी मिला करके इसका एक रनी सा घोल बना लेंगे। ये जो चावल का आटा है आप इसको रोस्ट भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी ले सकते हो, चॉइस है आपकी। तो मैंने यहाँ पे अच्छा इसको तैयार कर लिया है, थोड़ा सा इसको रनी ही रखेंगे सो दैट इसको जब स्प्रेड करेंगे, मतलब आपको स्प्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े, ये गिराते ही अपने आप स्प्रेड हो जाए पैन में और बहुत अच्छा लगता है नीर डोसा। तो ये है मेरा एक नया पैन, मैं आपको बता रही थी ना पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, तो यही मंगाया था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया ये, अभी आया भी था तो सोचा आज इसका इनॉग्रेशन कर देती हूँ। तो मैंने है ना इसको थोड़ा सा सीज़न कर लिया है, वैसे तो ये नॉनस्टिक है बट शुरुआत में हल्का ऐसा ऑयल लगा करके पोंछ लिया है तो ये सीज़न हो गया है। और फिर इसको बहुत गर्म कर लेना है, मैंने पहले थोड़ा सा बैटर डाला था बट मुझे लगा कि ये अभी रेडी नहीं हुआ, तो थोड़ा वेट किया मैंने जब तक कि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने इसमें बैटर पोर किया है। और इसमें थोड़ा सा घी लगा रही हूँ मैं एक साइड पर, और इसको फ्लिप करके थोड़ा सा और सेकेंगे एंड बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं ये, आप एक साथ दो पैन चढ़ा सकते हो तो क्विकली हो जाता है ब्रेकफास्ट में। तो एंड देखें कितने बढ़िया इसमें नीर डोसा तैयार हो रहे हैं। यहाँ सब्ज़ी भी मेरी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल वैसी होगी जैसे मुझे चाहिए, एकदम सॉफ्ट है पर इसमें से पानी नहीं छूट रहा है, तो बस ये रेडी हो गया, मैं सबको सर्व करूँगी खाना। और मुझे पर्सनली नीर डोसा है ना थोड़ी सी जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना जैगरी पाउडर हाँ उसमें थोड़ा सा घी डाल करके उससे फिर नीर डोसा खाते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन क्या है, मैं भी अगर कुछ डिफरेंट है जो मैंने ट्राई नहीं किया अभी तो आपके कमेंट पढ़ के आई विल ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम। और मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि यहाँ पर ये जो रेती सी निकल रही है ना ये चींटियों की बदौलत ही है, और शर्मा जी ने एक जगह पे और ऐसे हो रहा था तो वहाँ पे थोड़ा सा वाइट सीमेंट की एक ट्यूब जैसी आती है, फेवी क्विक है शायद, मुझे उसका नाम अच्छी तरह से नहीं पता, तो वो ट्यूब ला करके रखी थी और उन्होंने वो वहाँ पर फिल कर दिया, तो वहाँ से चींटियाँ आना बंद हो गई हैं।
तो यहाँ पर भी सेम हम करने का सोच रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए, तो बहुत कुछ जो आपके सजेशन रहते हैं आई फॉलो। तो ये चींटियों का ही प्रॉब्लम है, पता ऐसे चला कि दूसरी जगह जहाँ ट्राई किया वहाँ अब चींटी नहीं आ रही है। तो एक दिन ये जो बास्केट है ना, पूरा जो ड्रॉअर है, इसको निकाल करके इसको ट्रीट करा जाएगा। आज बताइए क्या हुआ, मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगी। लेकिन फिर उसके बाद से ना मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं आपके साथ बात करूं, ये आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली व्हाट हैपन्ड ना, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं शर्मा जी के घर गई थी ना, तो वहाँ पे हमारा जो नेबरहुड था वहाँ पर एक लड़की थी, मुझसे छोटी थी वो, काफ़ी छोटी थी, वो स्कूल में थी उस वक्त। लेकिन बहुत अच्छा, जैसे ऐसे हो जाता ना, वो भाभी भाभी करके मेरे बहुत साथ रहती थी एंड मुझे भी उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। और क्योंकि हम दोनों सेम ही स्ट्रीम के थे, तो मैं उसे कुछ कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर कर ले, थोड़ा थोड़ा सा उसे गाइड भी करती थी, वो बहुत मेरे पास आती जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से, शर्मा जी की जॉब इधर होगी, तब वो दिल्ली में जॉब करते थे तो हम वहाँ रहते थे, उससे पहले चंडीगढ़ था, और उसके बाद फिर उनको यहाँ से गुजरात से ऑफर आ गया था वडोदरा से, तो फिर हम यहाँ आ गए। एंड तब तो ऐसा ही सोचा था कि जैसे दो तीन साल ऐसा रहता ही है आईटी वालों का, तो हम शायद वापस यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा ही लिखा था किस्मत में, इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि हम यहाँ वडोदरा में हैं। तो बात यह है कि उसकी है ना शादी थी अभी कल परसों, 7 तारीख को शादी थी उसकी। एंड फिर मैंने है ना उसको कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह विश किया, उसने मुझे कार्ड भेजा था कि भाभी आना, तो मैंने उसे बोल दिया था यार मैं थोड़ा दूर हूँ, नहीं आ पाऊँगी, एंड सब समझ ही जाते हैं। तो फिर मैंने उसे विश किया, इतनी बिजी थी वो, न्यू ब्राइड है और न्यू ब्राइड के कितने फंक्शंस होते हैं, बट स्टिल उसने मुझे रिप्लाई किया, वॉइस मैसेजेस भेजे। एंड मैंने भी उसे पलट के, जैसे क्यूरियोसिटी, तो मैं भी उससे बात कर रही थी, बराबर मेरे मैसेजेस का वो रिप्लाई कर रही थी। एंड मुझे ना एकदम ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि जैसे मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या, आपके घर गेस्ट वेस्ट नहीं आते क्या। तो मैं ये पहले भी वैसे तो बता चुकी हूँ सेफ वे में, लेकिन मैं है ना, वो होता है ना कि छुपाते छुपाते फिर एनी हाउ मैं आपको बता दूँ। देखो गेस्ट नहीं आने की वजह तो ये है कि हम काफ़ी दूर हैं, यहाँ आने के लिए ना बहुत प्लान करना पड़ता है हर तरह से, टाइम भी होना चाहिए, मनी एंड एवरीथिंग, उस तरह से। जैसे आप में से जो लोग भी घर से दूर होंगे उनको पता होगा इतना आसान नहीं होता है एकदम से पहुंच जाना, आना जाना। तो एक वजह तो वो भी हो गई, दूसरी वजह ये हो गई यार कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ना अपने आप पे ये वनवास सा खुद ही थोप दिया है। जब मैं शर्मा जी के इधर आई थी, देखो मैं शुरू से बताऊं आपको, जब मैं स्कूल में थी ना तो बहुत मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, जैसे क्लास में होते ही है ना सारे ही बच्चे जो होते हैं, आप उन सभी से बात करते हो, उनमें से कुछ एक आपके अच्छे दोस्त होते हैं। बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जैसे हम बड़े होते चले गए, तो फिर वो बाकी जो भी मेरी क्लास के बच्चे थे वो लोग भी बड़े होते चले गए, एंड सब एक दूसरे के थोड़े टच में रहते थे। बट हमारे घर का माहौल इतना डिफरेंट था ना कि मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं था कि हम किसी के घर जाएं, कोई हमारे घर आए। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, तो जैसे नॉर्मल सब होते हैं जैसे, तो वो मेरे घर आ गई थी, मतलब जैसे क्लास में सबको पता ही रहता ना कि अच्छा तू वहाँ रहती है। मैं पांडवनगर में रहती थी, तब आप में से जो भी मेरठ में रहते होंगे उनको पता होगा। तो फिर उसने मेरा एड्रेस कहीं देखा होगा, एंड वो ऐसे ही जैसे फ्रेंड्स आ जाते हैं, लड़के लोग ज़्यादा फ्रीली आ जाते हैं दोस्तों के घर, लड़कियाँ ज़रा कम आती हैं। तो वो मेरे घर आ गई थी, हिंदी की कुछ बुक या नोटबुक उसको चाहिए थी, रही होगी, तो वो मेरे घर आ गई थी, एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। एंड उसे देख के ना मैं सक पका गई, मैं ऐसे कांप रही थी अंदर, मैं अपने पापा को देख रही थी कि आज बहुत शामत आ जाएगी जब ये जाएगी। तो जैसे तैसे उसको भी शायद पता चल गया कि थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और उसके जाने के बाद जो पापा ने मेरी क्लास लगाई है कि पढ़ने जाते हो बस पढ़ने तक, उसको लिमिटेड रखो, ये सब मैं दोबारा नहीं देखूँ। इनफैक्ट हम लोगों को स्कूल से आने का टाइम था 3:30 बजे, कभी कभी 5, 10, 15, 20 मिनट
अब 2:25-30 मिनट्स तक अगर हम लेट होते थे तो ओके था, नहीं तो अगर इससे ज़्यादा लेट होता था ना तो मम्मी पापा को बता देती थी, और फिर बाद में भाई साहब क्लास लगती थी, फिर मेरे पापा जब गुस्सा करके जब बात करते थे ना तो उनका चेहरा देख के मैं स्टोन हो जाती थी, मेरा अंदर मेरा दिल ऐसे धड़कता था, मुझे लगता था कि फट ही जाएगा। तो वो एक चीज़ थी कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन जितने अच्छे जितने ज़्यादा फ्रेंड्स मैं बना सकती थी, जितने अच्छे वो दिन थे, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, उतना नहीं हुआ बिकॉज़ ऑफ दैट डर। एंड सिमिलरली फिर कॉलेज में भी वही रहा, कॉलेज तो मेरा ऑल गर्ल्स था तो वो इशू नहीं था, लेकिन वही घर आने का सीन तो नहीं था। इनफैक्ट मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था एक ड्रामा में, एंड मैं उस दिन थोड़ा लेट हो गई घर पहुँचते पहुँचते, मुझे उस दिन भी बहुत डांट पड़ी थी। तो थोड़ा सा वो एक है ना, मुझे अंदर से डर हमेशा से थोड़ा था ही। उसके बाद फिर शादी होने के बाद इधर आ गए तो जैसा सबने समझाया उस हिसाब से मैंने फिर सब लोगों से कनेक्शन रखे, लेकिन अब जब मैं इतनी दूर आ गई हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं किया मैंने, अच्छा नहीं किया खुद के साथ। कुछ एक दोस्त तो ऐसे होते हैं कि आपकी लोकेशन बदल जाती है तो दोस्त बदल जाते हैं, जैसे कि नेबर्स वगैरह होते हैं, कुछ थोड़े टाइम तक चलती भी है फ्रेंडशिप्स बट फिर रह ही जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, किसी से बात नहीं करती, बात मेरी सबसे होती है, ऐसे कहने के लिए काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। बट मेरा है ना अभी क्या हो गया, मैं आपको बताऊँ, जब से मेरे सिबलिंग्स ने मेरे साथ वो किया है ना, ये मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तेरे में तो ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, मेरे को ना विश्वास करना इतना मुश्किल हो गया है अभी। मुझे इतने सारे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि आप आज सैड लग रही थी, आपको कुछ कहना है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो। अभी रिसेंटली भी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने भी, शर्मा जी आ गए, तो उन्होंने भी कहा कि आप शेयर कर सकती हो। मैंने कहा कि मुझे है ना अभी शेयर करते हुए बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली सब चले ही जाएंगे, कितना शेयर करूँ, कितना शेयर करना इज़ ओके, कहीं ओवर शेयर ना कर दूँ। तो शी वॉज सो काइंड, शी सेड कि जो भी आप शेयर करोगे वो मेरी ग्रेव तक मेरे साथ जाएगा, आप शेयर कर सकते हैं ना। आई वाज लाइक कि मुझसे वो मुझ पे भरोसा कर रही है, बट मुझे अंदर से बहुत डर लगता है अभी, बहुत डर लगता है। मैंने ये बातें कभी किसी से नहीं बोली, पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है आप लोगों से शेयर करने का। तो अब जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं ना तो एक तो यही वजह हो गई कि मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ तो नहीं हो पाता। मैं तो इनफैक्ट शर्मा जी को बोल भी रही थी कि वापस नॉर्थ की तरफ चलते हैं, बट देखो जो किस्मत में होता है होता वही है, हमारा जहाँ जैसा लिखा होगा होगा, वही चाहने से तो कुछ नहीं होता है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने है ना अपने साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अब मन करता है दोस्त बनाने का, लोगों से बात करने का, करती भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप से ना एवरीडे बेसिस पे एक फाइट जैसा है कि नहीं सब ऐसे नहीं होते, एक से धोखा मिला तो सबसे नहीं मिलेगा। पर समहाउ वो एक्सपीरियंस इतना हैवी हो गया है मुझ पर कि उसके पार देख पाना मेरे लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अभी अभी हमारा लंच हो गया है तो आज पता नहीं क्यों कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। ये मैंने दूध है ना अभी उबलने रखा है, पर मुझे कॉफ़ी बनानी थी तो ये वाला दूध मैंने अलग से गर्म कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा है, कॉफ़ी हम लोग थोड़ी कम कम ही पीते हैं, कभी कभी मन आता है तो इसके लिए मैंने है ना थोड़ा सा दूध अलग से बॉयल कर लिया है और इसमें मैं बनाऊँगी कॉफ़ी, और इसमें मैं पानी नहीं ऐड करती, वो अच्छी नहीं लगती पत्ती सी कॉफ़ी। जब मैं मेरठ में रहती थी ना तो वहाँ पे तो क्या रूटीन था हर चीज़ का, मैं भी ऑफिस नहीं जाती थी, पापा भी रिटायरमेंट पे थे, तो हम तीनों, शानू तो बहुत छोटी ही थी, तो मम्मी पापा और मैं घर में रहते थे, तो जो भी चीज़ जिस वक्त होनी है उसी वक्त होती थी, एक रूटीन था वहाँ, 10 बजे तक ये हो जाएगा, 11 बजे तक ये हो जाएगा, तो ये भी एक रूटीन सा ही हो गया था वहाँ पर कि लंच के बाद है ना फिर मन करता था कि थोड़ी थोड़ी सी ना, मेरी सासू माँ बोलती थी कि थोड़ी थोड़ी हल्के मीठे की कॉफ़ी बना ले, तो वहाँ पर हम लोग कॉफ़ी उतना रेगुलरली नहीं पीते थे,
थे, पर जब पीते थे तो थोड़ी थोड़ी और कम स्वीट हिसाब से बनाते थे। तो अभी मैं जब भी कॉफ़ी बनाती हूँ खाने के बाद, यूजुअली कभी कभी मन कर जाता है, शाम में तो चाय ही फिक्स है हमारी, तो मुझे ज़रूर ज़रूर याद आता है कि मेरठ में हम ऐसा करते थे। फिर शाम में हस्बैंड और मैं निकले थे बाहर, हमें दो एक प्लांट्स लाने थे। मेरी एक्चुअली तुलसी सूख गए, मैंने बाहर रखा था वो गमला, पर पता नहीं क्या होता है बाहर, जो भी गमला में रखती हूँ वो प्लांट ख़राब हो जाता है, तो मुझे तुलसी बेसिकली लाना था। और क्या लेके आ गई आज तुम नया? नवे नवे पौधे। हाँ चलते नहीं है यार, पता नहीं क्यों। तो अभी कौन सा वाला लगाना चाह रही है? तो सेंटर की तरफ लगाना फिर। अरे इसको रूट हुआ तो ये खराब हो सकता है, इसके रूट अगर वो होगी तो। पर ये वाला प्लांट इतना छोटा है तो ये हो जाएगा इससे। सेंटर में वो रखना थोड़ा सा उसको ना। ब्रो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसका रूट नहीं डैमेज हो जाएगा, मुझे बस उतना ही है। देखो उसका रूट है इधर है। हाँ तो फिर तो ध्यान से करो। और मुझे है ना, कुछ एक फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि शानू की टीचर ने क्या गिफ्ट दिया, मैं उस दिन बोल रही थी वीडियो में, तो मैंने ने रिप्लाई किया था कि वो भूल गई, तो वो भूल गई थी, बट आज दिया कि कल दिया था बेटा? आज दिया है, ये पाउच दिया है, एंड इट हैज सो मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स, बहुत ही प्रिटी है। और उनकी टीचर बहुत अच्छी है, मैं अगले साल खुशी को भी वहीं भेजने वाली हूँ। yeah.